إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا पिछली मर्तबा जो गुफ्तगू हुई थी वो ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने के लिए मुशरिकीन मक्का ने मक्का की पार्लियामेंट दारुन नदवा में एक मजलिस का एक इज्तिमा का इनेकाद किया था और उसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की, मगर उस पार्लियामेंट में दारुन नदवा में अबू जहल की राय को कबूल किया गया। वो राय ये थी कि हर कबीले का एक एक नौजवान का इंतखाब किया जाएगा और उसके हाथ में तलवार दी जाएगी और एक बारगी के साथ अचानक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करके उनको कत्ल कर देंगे। ये खून सारे कबीलों में बढ़ जाएगा और कुरैश के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार इन कबीले वालों का मुकाबला न कर सकेंगे। जब ये मीटिंग में बात तय हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाने वाला है, क्या जाएगा, तो जिब्रील अलैहि सलातु वसलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से वही लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद, तुम्हें कत्ल करने की नापाक साजिशें रची जा रही है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन अब तुम्हें हुक्म देता है कि तुम मक्का छोड़कर मदीना चले जाओ अपनी जान बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए। अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि आप हिजरत कर जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए ताकि उनके साथ हिजरत का प्रोग्राम बना सके, हिजरत के ताल्लुक से कुछ बातें कर सके। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक दोपहर के वक्त आए। हम लोग अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में बैठे हुए थे, किसी कहने वाले ने कहा, किसी आवाज लगाने वालों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांके आपके घर यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ला रहे हैं। यह ऐसा वक्त था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन किसी के यहां तशरीफ ले जाया नहीं करते थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप अगर मेरे घर तशरीफ ला रहे हैं तो कोई बड़ी वजह है, कोई अहम मामला है, इसीलिए आप इस समय इस वक्त दोपहर के वक्त मेरे घर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इजाजत तलब की, इजाजत दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर दाखिल हो गए और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने उसे कहा कि ए अबू बकर, तुम्हारे अकनाफ, तुम्हारे अतराफ अकनाफ, तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको यहां से हटा दो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, बस आपके ही अहले खाना हैं। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है कि मैं मक्का छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए मदीना चला जाऊं। इसके बाद हिजरत का प्रोग्राम तय करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर तशरीफ लाए।
और हिजरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त का इंतजार, रात के वक्त का प्रोग्राम तय किया था और रात की आमद का इंतजार करने लगे अपने घर जाकर। और इधर मुशरिकीन मक्का ने यह तय किया कि हम रात के आखिरी पहर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें, लिहाजा उन्होंने भी एक वक्त मुतय्यन किया हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। और इधर मुशरिकीन मक्का भी अपने वक्त मुकर्ररा का इंतजार करने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जा सके। बड़े बड़े मुजरिमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने बैठकर आपके घर से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। उन मुजरिमीन में अबू जहल, उकबा बिन अबी मुईद, हकम बिन आस, उमैया बिन खलफ, उबै बिन खलफ, जमा बिन अल अस्वद वगैरह वगैरह मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए हुए थे। गौर फरमाएं कितनी नापाक साजिश से ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कस्द किए हुए थे। इब्न इसहाक का बयान है कि जब रात तारीख हो गई, अंधेरा छा गया, तो ये मुशरिकीन मक्का घात लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने बैठ गए ताकि आप सो जाएं तो ये लोग आप पर टूट पड़ें, हमला करें, आपको शहीद कर डालें, आपको कत्ल करें। यहां तक के उन लोगों को ये इस बात का भी यकीन था कि आज हम लोग किसी भी तरह अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे, उनको पुख्ता यकीन था कि आज मोहम्मद का काम तमाम कर देंगे। यहां तक कि अबू जहल ने बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में कहा था कि मोहम्मद अपने साथियों से कहता है कि अगर तुम लोग इस दीन में दाखिल होकर उसकी पैरवी करोगे तो अरबो अजम के बादशाह बन जाओगे, लोगों पर हुकूमत करोगे, फिर जब मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए बागात होंगे, और अगर तुमने ऐसा न किया यानी ईमान न ले आए, इस्लाम न ले आए, तो फिर तुम्हारे अंदर ज़बह के वाकियात पेश आएंगे, फिर तुम मरने के बाद उठाओगे और तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें तुम जलाए जाओगे। अबू जहल बड़े मुतकब्बिराना अंदाज से कह रहा था, मतलब ये समझ कर आज तो हम मोहम्मद का काम तमाम कर देंगे, अब मोहम्मद अपने साथियों को कैसे कहेगा। बड़े बड़े हांकता था, बड़ी बड़ी बातें कहा करता था, और बड़े बड़े हमारे अकाबिर, हमारे कुफारे मक्का के जो बड़े बड़े अकाबिर हैं उनके खिलाफ बातें किया करता था, हमारे बुतान की बाबत गलत सलत बातें किया करता था, और हमारे माबूदान के खिलाफ भी भड़काया करता था। अब आज जब उसका काम ही तमाम होने वाला है तो फिर ये बातें कैसे करेगा। ये अपने जाम में मुबतला थे ये समझ करके आज हम मोहम्मद का काम ही तमाम करने वाले, मोहम्मद को सफ़े हस्ती से मिटाने वाले हैं। बहरहाल इस साजिश के निफाज के लिए आधी रात के बाद का वक्त मुकर्रर था, यानी जब आधी रात गुजर जाएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। लोग जागकर रात गुजार रहे थे और वक्त मुकर्ररा के मुंतजिर थे, लेकिन अल्लाह ताला भी अपने काम पर गालिब थे। क्यों? इसलिए कि बादशाहत उसी के हाथ में है, अल्लाह जिसको मारना चाहे उसको मार देते हैं और जिसको अल्लाह ताला बचाना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसे मिलकर मार नहीं सकती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको मारना चाहे पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसको बचा नहीं सकती। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तय कर रखे थे कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना है, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कहा وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ। याद करो उस वक्त को जब कुफार तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, तुम्हें मारने के बारे में सोच रहे थे, तुम्हें कत्ल करने के ताल्लुक से इजलास मुनक़िद किए थे ताकि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर दें या फिर तुम्हें मक्का से बाहर निकाल कर दूसरे जगह पर फेंक दें। ये लोग मकरो फरेब कर रहे थे, वयम कुरूना वयम कुरुल्लाह, ये लोग मकर कर रहे थे, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, तुम्हारे बारे में गलत सलत बातें कर रहे थे कि तुम्हें या तो निकाल दिया जाएगा या तुम्हें कैद कर लिया जाएगा या फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। वयम कुरुल्लाह, वो तो मकर कर
रहे थे मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तदबीर कर रहा था आपको बचाने के लिए। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और दूसरों के मकर के बाबत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर सबसे बेहतर हुआ करती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तदबीर कर रहा था। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घर छोड़ देते हैं। कुरैश इतना जबरदस्त प्लान बनाने के बावजूद उसके निफाज में नाकाम और नामुराद हुए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल नहीं कर सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल भी वो बैका नहीं कर सके। जब रात हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अली तुम मेरे इस बिस्तर पर लेट जाओ, सो जाओ, और मेरी इस सब्ज चादर को भी ओढ़े रखो, और याद रखो कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। कोई दुश्मन इस्लाम तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता, लिहाजा तुम मेरी जगह सो जाओ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटा कर सुला कर बाहर तशरीफ लाए। इधर मुशरिकीन मक्का की सफों को चीरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी संगरेजे वाली मिट्टी लेकर मुशरिकीन मक्का के सरों पर फेंक दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी निगाहों को उचक लिया, मुशरिकीन मक्का की निगाहों को उचक लिया। वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलता हुआ देख न सके, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दा फअगशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। देखिए वो मकर कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उन्होंने इजलास का इनकात किया, इज्तिमा कायम किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा। इस साजिश के निफास के लिए वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा भी कर बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बजरिए वही बतला दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर हजरत अली को सुलाया, कहा कि तुम मेरी इस चादर को ओढ़ कर यहीं पर सो जाओ, और यह भी याद रखो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर लेटाकर सुलाकर मुशरिकी ने मक्का की सफों को चीरते हुए उनके सामने से निकल गए, और मुशरिकी ने मक्का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तदबीर कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया, हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे भी रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें ढांक लिया और वो देख नहीं रहे थे। यानी अल्लाह ताला ने उनकी निगाहों को उचक लिया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके। इस मौके पर कोई भी ऐसा मुशरिक बाकी न बचा जिसके सर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी न डाली हो, यानी वो मिट्टी मुशरिक के हर सर पर गिर गई। कोई भी ऐसा मुशरिक बाकी न बचा जिसके सर पर वो मिट्टी न पड़ी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी से वहां से निकल गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर चले गए, हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया, और वहां से सीधा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के घर पर चले गए, तशरीफ ले गए। फिर उनके मकान की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरत यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात ही रात यमन का रुख किया, और चंद मील का फासला तय करने के बाद सौर नामी पहाड़ के पास जाकर एक गार में अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जाकर पनागुज़ी हो गए, जा पहुंचे। और इधर मुहासरा करने वाले वक्त मुकर्ररा का इंतजार कर रहे थे कि कब वक्त हो जाए और हम मोहम्मद पर हमला करें, टूट पड़े। उन्हें किसी जरिए से मालूम हुआ, एक शख्स आया और उन मुहासिरीन से कहने लगा कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। उन्होंने कहा, हम मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा, मोहम्मद का इंतजार कर रहे हो तो समझ जाओ तुम नाकाम ना मुराद हो गए, तुम अपने निफाज में फेल हो गए।
अपने मकर में फेल हो गए। पूछा क्यों? कहने लगे कि अभी तुमने नहीं देखा, मोहम्मद तो तुम्हारी सफों को चीरते हुए तुम्हारे सामने से निकल गए, मैं खुद मोहम्मद को देखा यहां से जाते हुए। उन लोगों को यकीन ना आया, लिहाजा उन्होंने दरवाजे की दराज से झांक कर देखा तो वहां पर हजरत अली को सब्ज चादर ओढ़े हुए पाया, समझ गए कि यही रसूल है। कहने लगे कि यही रसूल अभी लेटे हुए सोए हुए और तुम कहते हो कि मोहम्मद अभी यहां से चले गए, लिहाजा वो इंतजार करने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने का, ये समझ करके वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर जब सुबह हुई, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्तर से उठे तो मुशरिकीन के हवास बाख्ता हो गए, उनके हाथों के तोते उड़ गए, वो परेशान हो गए, कबीदा खातिर हो गए, रंजो अलम में पड़ गए कि ये क्या, हम तो मोहम्मद के निकलने का इंतजार कर रहे थे, सुबह दम क्या देखते हैं हजरत अली बिस्तर से उठ रहे हैं। हजरत अली से पूछा कि मोहम्मद कहाँ है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफर 14 नबुवत मुताबिक 12-13 सितंबर 622 ईस्वी की दरमियानी रात अपने मकान से निकलकर जानो माल के सिलसिले में अपने सबसे काबिल एतमाद साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए थे और वहां से पीछे के जानिब की एक खिड़की से निकलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाहर की राह ली, बाहर का रास्ता इख्तियार किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया वो मदीने का नहीं बल्कि यमन के रास्ते का इंतखाब किया। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि हमारे हिजरत के इल्म होने के बाद लोग मुशरिकीन मक्का हमारी तलाश में निकल जाएंगे और तलाश के लिए जिस रास्ते की तरफ सबसे पहले उनकी नजर जाएगी वो रास्ता मदीने का रास्ता होगा। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने जहीन और फतीन थे और कैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियादत किया करते थे, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच थी, फिक्र थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तदब्बुर किया करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के रास्ते को तर्क करके यमन के रास्ते को इख्तियार किया ताकि लोग धोखे में आ जाएं, लोगों को मालूम ना हो सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदीने के रास्ते से चले गए हैं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन के रास्ते को इख्तियार करके 5 मील तकरीबन फासला तय करके जबले सौर के दामन में पहुंचे। ये पहाड़ नहायती बुलंद बाला पहाड़ था, इंतहाई मुश्किल पहाड़, दुश्वार गुजार पहाड़ था, यहाँ पत्थर भी बकसरत मौजूद थे। इसी वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव मुबारक जख्मी हो गए थे और कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशाने कदम को छुपाने के लिए पंजों के बल चल रहे थे। अगर पूरे पांव जमीन पर रख दें तो मुशरिकीन मक्का बा आसानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चला सकते थे, पता उन्हें चल सकता था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशाने कदम मिटाने के लिए पंजों के बल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव जख्मी हो गए। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला पहाड़ के दामन में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया और दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास जा पहुंचे जो तारीख में गारे सौर के नाम से जाना जाता है। गार के पास पहुंचकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के नबी से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसमें दाखिल ना हो, पहले गार में मैं जाकर देखूंगा, अगर कोई शर वाली चीज हो तो सबसे पहले साबका उसका मुझसे पड़ेगा, उसका नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा, लिहाजा आप यहां रुके रहिए, गार में मैं जाऊंगा और वहां का पूरे अहवाल मालूम करके आऊंगा। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला गार के अंदर गए, वहां पर बहुत सारा कचरा वगैरह जाल वगैरह पड़ा हुआ था, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने उसको अपने हाथों से साफ किया और वहां पर चंद सुराख भी मौजूद थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अपना तहबंद फाड़कर उन सुराखों का मुंह बंद कर दिया, दो सुराख अभी भी
باقی تھے، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان دو سوراخوں پر اپنا پاؤں رکھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اب آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں، آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت پا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر گئے. غار کے اندر جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں اپنا سر مبارک رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بتائی اور وہیں پر سو گئے. اور ادھر دو سوراخوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے پاؤں رکھے تھے، کچھ شر والی چیز بچو وغیرہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈس لیا. شدت تکلیف کے مارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں سے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے اور وہ آنسو بہ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہوشار ہوئی. کہا، کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، پتہ چلتا ہے کسی چیز نے مجھے ڈک مارا ہے، ڈس لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا جس کی وجہ سے ان کا درد، ان کی تکلیف ختم ہو گئی. پھر اس غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، ہفتہ، اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری. اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں پر رات گزارا کرتے تھے. حضرت عائشہ کا بیان ہے، یہ انتہائی سوچ بوجھ، گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے، سخن فہم نوجوان تھے. سحر کی تاریکی میں، یعنی رات کی تاریکی میں، حضرت ابو بکر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا کہ انہوں نے یہیں رات گزاری، مکہ ہی میں رات گزاری. پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اس کو آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے، اچھی طرح یاد کر لے کے. اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے. اس طرح دونوں حضرات رات کو، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب شکم سیر ہو کر رات کی تاریکی میں بکریوں کا دودھ پیتے اور دودھ پینے کے بعد عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کو لے کر واپس مکہ کے لیے ہانکتے. اس طرح جان بچا بچا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جا کر پناہ گزین ہوئے. وہاں جمعہ، ہفتہ، اتوار، رات، پورے تین دن چھپ کر وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. پھر اس کے بعد جیسے یہ قبر مشرکین مکہ کو معلوم ہوئی کہ اسلام کے سب سے بڑے دو لوگ، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، یہ خبر ان کے لیے قیامت خیز خبر تھی. وہ بہت پریشان ہو گئے اور اسی پریشانی کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑا رد عمل کیا. وہ کیا رد عمل تھا، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کے تعلق سے وضاحت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے ان کو اپنے ذہن میں نش کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.